मध्य प्रदेश सरकार ने सभी निगम मंडल प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इन सभी को पहले की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने नियुक्त कर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों का दर्जा दिया था। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इनको हटाने का बड़ा फैसला लिया है। नियुक्तियां निरस्त करने के आदेश संबंधित विभागों द्वारा जारी किए गए हैं। इन सभी पदों पर अब तो लोकसभा चुनाव के बाद ही नियुक्तियां होने की संभावना है। एमपी कौशल विकास निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरी की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। राज्य शासन की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कई निगम मंडल और प्राधिकरण के अध्यक्षों को भी हटा दिया गया है। रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरी के अलावा राज्य शासन के अन्य विभागों में भी छटनी की है। मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग विकास निगम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह को भी हटाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। वैसे आपको बता दें कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उनमें से कई संघ के करीबी थे, तो वहीं कोई शिवराज सिंह चौहान का तो कोई प्रदेश अध्यक्ष का करीबी था। सूत्रों की माने तो अब दिल्ली से सहमति के बाद ही नई नियुक्तियां होंगी। इनमें से कई पदाधिकारी विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। वहीं कुछ निगम मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष का प्रभार दिया जाता है। चुनाव में कई मंत्री भी हार गए हैं। अब मोहन सरकार में निगम मंडलों के अध्यक्ष प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को हटाना शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक आदेश से ऐसी सभी नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं, लेकिन वहां स्थिति अलग है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और उनके द्वारा ही नियुक्तियां की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार ने ये नियुक्तियां की थी।